पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए किशोर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 13 बाइक बरामद की हैं। ये गिरोह आसपास के एरिया से बाइक चोरी कर बेचता था। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि डिल्लारी पुलिस ने वाहन चोरों के सरगना ठाकुरद्वारा के सुल्तानपुर दोस्त निवासी संदीप कुमार सैनी को, उसके साथी नरेंद्र पुत्र विजयराम निवासी ग्राम जोगिया सिहाली थाना छजलेट, महेश पुत्र फूल सिंह निवासी सुल्तानपुर दोस्त और एक किशोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 13 बाइक बरामद की गई है। बरामद वाहन में डिलारी थाना क्षेत्र से चोरी 3 और बाकी वाहन ठाकुरद्वारा क्षेत्र से चोरी किए गए थे। गैंग के सदस्य मुरादाबाद के अलावा अमरोहा, बिजनौर और नोएडा में भी सक्रिय है। डिलारी पुलिस द्वारा वाहन चोरी से संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से विभिन्न जनपदों से चुराई गई 13 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है डिलारी पुलिस के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस गैंग का जो सरगना है संदीप नाम का अपराधी, उसने इंटरमीडिएट किया, फिर आईटीआई की डिग्री हासिल की, उसके बाद नोएडा गया। नोएडा में अपना वहाँ पर बिजनेस छोटा सा करने लगा, पट्टी लगाने का कार्य करने लगा और इसी दौरान उसने नोएडा से पहली वाहन चोरी की घटना की शुरुआत की और उसके बाद से लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम विभिन्न जनपदों में देता आ रहा है। जनपद मुरादाबाद के देहात क्षेत्र के कई थानों के अंतर्गत इसके गिरोह के लोगों ने वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस प्रकार से डिलारी थाना पुलिस के द्वारा एक अच्छी ये उपलब्धि मानी जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।